नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। यूपी के मुकलसराय जीटी रोड पर खाली ऑटो में मिठाई के डिब्बे में मिले नवजात, जिसका सहारा बनी किन्नर। किन्नर बच्चे को लेकर कोतवाली पहुंची। उसने पुलिस को पूरी बात बताई और बच्चे को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। बोली, बच्चे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाऊंगी। पुलिस स्टेशन में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने भी बच्चे को गोद लेने की इच्छा जाहिर की, पर पुलिस ने बच्चे को कस्टडी में लेकर बाल शिशु गृह भेज दिया। हम लोग गए चकियां, हम लोग रिजर्व छोड़ के आए मुगलसराय स्टेशन के पास। वीआईपी गेट पे हम लोग मिले, अपनी गाड़ी खड़ा करके हम लोग गए चाय पीने के लिए। और चाय पी के जैसे हम लोग 5 मिनट के अंदर में आ रहे, तो हमारी गाड़ी में मीठा का झोला मिला। उस झोले के हमने देखा तो करके उसमें क्या चीज़ है, उसमें कुछ कुछ करने लगा। तो उस झोले को हमने खोला, देखे उसमें बच्चा था। तो हम और लोग को बुला लिए अपने पास, और उसके बाद सारे लोग वहाँ मेला लगा लिए। उसके बाद हम किन्नर को फ़ोन किए, किन्नर आए, उसको लेके चले आए कोतवाली। हम वही चाह रहे हैं कि जिसका बच्चा है या तो वो ले जाए, या तो किसी को आप बढ़िया आदमी को देख कर उसको आप हवाले कर दीजिए, दीजिए और जाके। जो है खान मेरा नाम है, ठीक है जी। ये मन में आ रही है, जिसकी माँ बाप है वो छोड़ के चला गया, तो उसको मैं पालपुल को मैं बड़ा करना चाह रही हूँ। जो भी माँ बाप इसके हैं तो अच्छा नहीं बोलूँ, ठीक है। मैं ये बोल सकती हूँ, इसको मैं पालूँ, इसको मैं बड़ा करके मैं अपना इंजीनियर जो भी कुछ बनाना है, कलेक्टर बनाना है, जो भी करना है मैं कर सकती हूँ इसको पालपुर को बड़ा। और करने के बाद मैं सामने खड़ा भी कर सकती हूँ इसको। उसके माँ बाप को मैं देख भी नहीं कि मैं ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमको माया लग रहा है बच्चे को देखकर, बहुत माया लग रहा है। हम इसको बच्चे को पालना चाह रहे हैं।